दोस्तों, जब भी हम एक लड़की भीगी भागी सी मेरे महबूब कयामत होगी और मेरे सामने वाली खिड़की में जैसे गाने सुनते हैं, तब हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान का नाम आता है और वो है बॉलीवुड के मशहूर कलाकार किशोर कुमार, जिन्होंने डायरेक्टिंग और कंपोजिंग में महारत हासिल की थी। तो वहीं इनकी एक्टिंग और सिंगिंग भी कमाल की रही है, लेकिन इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इनकी जिंदगी हमेशा तन्हाई में गुजरी। हालांकि इन्होंने 4 शादियां भी की, लेकिन वो भी किशोर कुमार के अकेलेपन को दूर नहीं कर सकी और आज भी किशोर कुमार की जिंदगी एक रहस्य बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं किशोर कुमार की उन 4 पत्नियों के बारे में। नंबर 1 पर है रूमा गुहा। दोस्तों, किशोर कुमार की पहली शादी साल 1950 में रूमा गुहा से हुई थी, लेकिन आपसी अनबन के कारण इन दोनों ने साल 2058 में तलाक ले लिया और ये दोनों शादी के 8 साल बाद ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। नंबर 2 पर है मधुबाला। दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री माने जाने वाली मधुबाला को आप सभी लोगों ने बॉलीवुड फिल्म मुगले आजम में देखा होगा, जिसमें उन्होंने अनारकली का किरदार निभाया था। हम आपको बता दें कि फिल्म महलों के दौरान किशोर कुमार को मधुबाला से प्यार हो गया था और उन्होंने साल 1960 में एक दूसरे से शादी कर ली थी। मधुबाला से शादी करने के लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म को भी अपनाया था और उन्होंने अपना नाम किशोर कुमार से बदलकर करीम अब्दुल रख लिया था, लेकिन शादी के 9 साल बाद ही मधुबाला की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और किशोर कुमार एक बार फिर से अकेले हो गए। तीसरे नंबर पर है योगिता बाली। दोस्तों, योगिता बाली को आप सभी लोगों ने फिल्म आखिरी बदला, ख्वाब और मेम साहब जैसी फिल्मों में देखा होगा। तो वहीं मधुबाला की मौत के बाद किशोर कुमार का दिल योगिता बाली पर आ गया और बहुत जल्द इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी 3 साल बाद ही टूट गई और योगिता बाली ने किशोर कुमार को तलाक देकर मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। नंबर 4 पर है लीना चंद्रावरकर। दोस्तों, किशोर कुमार की आखिरी शादी साल 1980 में बॉलीवुड एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर से हुई थी। इस शादी से इनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन शादी के 7 साल बाद ही किशोर कुमार की मौत हो गई और लीना चंद्रावरकर उनकी आखिरी पत्नी साबित हुई। आप सभी लोगों ने लीना चंद्रावरकर को मन चली और महबूब की मेहंदी जैसी फिल्मों में देखा होगा और फिलहाल लीना चंद्रावरकर बॉलीवुड से दूर हैं। तो दोस्तों, आप सभी को किशोर कुमार की कौन सी पत्नी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।